बीजेपी का ही है और बीजेपी योगी आदित्यनाथ दोबारा से आए हैं। योगी जी का तो अच्छा ही रहेगा सर, वो तो सर वो तो कर रहे हैं। मैं बीजेपी के कार्य अच्छे नहीं जी नहीं, उनके राज्य में थोड़ा सा राजनीतिक जो गुंडागर्दी है उन्होंने बहुत बढ़ाया, वो ऐसी चीज़ों को लेके या भ्रष्टाचार उनके टाइम पर रुक नहीं पाया, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर राजनीति में उतर रही हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के मन में कौन भाता है, क्योंकि जो युवाओं पर राज करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। जैसा कि जानते हो, इस 2021 में आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन युवा किसकी ओर करवट लेते हैं, क्योंकि युवाओं का अहम रोल है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत युवाओं का एकमात्र ऐसा देश है जिससे विश्व में नंबर वन जाना जाता है। इसलिए खबर एक्सपर्ट की टीम आज इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के उन युवाओं से आगरा में जाकर विशेष चर्चा करेगी कि किस तरीके का माहौल है और वो 2022 में किसे उत्तर प्रदेश का सीएम देखना चाहते हैं। थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाइएगा। ये मेरे साथ तमाम युवा, यहाँ बच्चियाँ भी खड़ी हुई हैं जो अपने अपने विचार खबर एक्सपर्ट के साथ रखेंगी। तो सबसे पहले मैं सर आपके पास चलता हूँ, आप क्या लगता है कि जी 2022 का चुनाव नज़दीक है, कैसा माहौल है और कैसा रहेगा आने वाले कल में? माहौल बीजेपी का ही है और बीजेपी योगी आदित्यनाथ दोबारा से आए यही ठीक रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उन्होंने विशेष काम करे हैं, जैसे कोरोना दौरान में भी उन्होंने अस्पतालों का सर्वे किया है, शहरों में जाके उन्होंने खुद जाके सर्वे किया है, आगरा में भी आए थे वो अभी सर्वे के लिए। तो इतनी जो भागदौड़ और इतने वो अनुशासन हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इसलिए। क्यों अखिलेश जी के अनुशासन, अखिलेश जी के कार्य, मायावती जी के कार्य अच्छे नहीं थे, क्या कहेंगे? जी नहीं, उनके राज्य में थोड़ा सा राजनीतिक जो गुंडागर्दी है उन्होंने बहुत बढ़ाया, वो ऐसी चीज़ों को लेके या भ्रष्टाचार उनके टाइम पे रुक नहीं पाया, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो मैं बच्चियों से पूछूंगा, बच्चियां हैं अभी। बेटा क्या नाम है आपका? नीलम। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और एजुकेशन को, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम अभी इस कोरोना काल में ख़राब हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बीएस फाइनल ईयर में हूँ सर, और अभी हम लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं सर। कोरोना की वजह से बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से हम लोगों को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ी है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगी है हमारी, लेकिन हम यहाँ पे अब कंप्यूटर क्लासेस हमने ज्वाइन कर ली हैं कि हम आगे पढ़ें घर पे ना बैठ के हम लोग। लेकिन अब 2022 का चुनाव नज़दीक है, लोग कह रहे हैं योगी जी नहीं आएंगे क्योंकि अखिलेश भैया ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? योगी जी का तो अच्छा ही रहेगा सर, वो तो कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में, पढ़ाई के लिए भी और उनका हर चीज़ में योगदान अच्छा है। आपका क्या नाम है और क्या बोलना चाहेंगी योगी जी के बारे में 2022 चुनाव? सर मेरा नाम कनिष्का है और सर मैं बीएससी कर रही हूँ। क्या बोलेंगी आप, योगी जी 2022 में आ पाएंगे? यस सर, योगी जी बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? सर उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, इसलिए। यस सर। लेकिन अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया सर, हमारे हिसाब से तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको पता होना चाहिए। ये युवा हैं जो देश का भविष्य है, वो देश के भविष्य को सुनहरे पटल पर लिखते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखने वाला समय होगा। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।